ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया श्री पृथ्वी शर्मा जी, महासचिव ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ हरियाणा श्री विनोद शर्मा जी और चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया से श्री प्रवीण शर्मा जी। चंद्रशेखर फतेहाबाद ब्लू। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने के मूड में नहीं हूं और ना आप लोगों का टाइम खराब करूंगा, क्योंकि सभी प्लेयर्स हैं और मैं प्लेयर भी रहा हूं, रेफरी भी रहा हूं। मुझे पता है कि वो मैच देखने के लिए आए हैं, भाषण सुनने के लिए नहीं आए। वो बहुत सारे मंच होते हैं। इतना कहना चाहूंगा बेटा, जो भी खिलाड़ी यहाँ पे आता है वो जीतने के लिए आता, कोई भी हारने के लिए नहीं आता। लेकिन हार और जीत खेल का हिस्सा है। एक खिलाड़ी जीतेगा तो दूसरा हारेगा भी, लेकिन यकीन मानना यहां से हार के कोई नहीं जाएगा, कोई जीत के जाएगा तो कोई सीख के जाएगा। आप जब फाइट लड़ेंगे, किसी वजह से आप हार जाते हैं, तो आप इस बात को देखना कि आपकी कमी कहां रही, अगले साल के लिए और ज्यादा अच्छी कोशिश करना। दूसरा, कुछ प्लेयर जो ग्रैपलिंग से नहीं है वो दूसरे गेमों से आउट करके आए हैं, उनको लोक चौक का ज्यादा ज्ञान नहीं है। एक जो प्रॉपर ग्रैपलर है उसको लोक चौक का ज्यादा ज्ञान है, तो इंजरी का गेम है। जब आप लोक चौक में फंस जाएं तो तुरंत टैप करें, क्योंकि यदि आप अपनी ताकत का अन्यथा इस्तेमाल करेंगे, उसको छुड़वाने की कोशिश करेंगे जहां से छूटना पॉसिबल नहीं होता बाई चांस, तो वहां इंजरी हो जाएगी और हो सकता है आप अगले साल भी ना खेलो, वो इतनी मेजर इंजरी हो जाए कि आप लगातार 2-3 साल भी ना खेल पाओ। तो यदि अब की बार आपने टैप दे दिया तो नेक्स्ट टाइम आपके पास चांस है कि आप फिर खेल लेंगे, तो इंजरी ना होने दें। दूसरा, जो सीनियर खिलाड़ी हैं जिनको पूरी नॉलेज है, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो खिलाड़ी थोड़ा सा कम जानते हैं उनको इंजरी ना होने दें, उस हद तक अपना प्रेशर दें ताकि वो टैप कर ले। एकदम से आप इतना ज्यादा प्रेशर ना दें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ और जितने भी ऑफिशियल हैं, आप लोगों की मेहनत से ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो रहा है। जहां तक मैं दिख रहा हूं डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। मुझे यकीन नहीं होता कि हरियाणा में इतना अच्छा अनुशासन हो सकता है, क्योंकि जहां खेल के नाम पे हरियाणा नंबर वन है, किसी भी खेल के मामले में अनुशासन में जीरो है। लेकिन पहली बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं 2 दिन से यहां पे हूं, अनुशासन के टीम में आज हरियाणा ग्रैपलिंग कहीं ना कहीं सबसे ऊपर है। बहुत अच्छा अनुशासन आप लोगों ने दिखाया, चाहे वो दर्शक है चाहे वो खिलाड़ी है, ना कोई मैट पे आ रहा है ना कोई हुलारा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए मैं तहे दिल से ग्रैपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल मान सम्मान मेरे दिल में आप लोगों की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो भी खिलाड़ी अब की बार देखिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड दो ही नेशनल में जाते हैं, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि अब की बार चारों मेडलिस्टों को नेशनल में लेके जाएंगे। उसके दो रीजन है। एक तो गेम नया है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एक्सपीरियंस मिले। दूसरा यह कि अभी आर्मी में हमारे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, उनको इंक्रीमेंट और कैश अवार्ड मिलने स्टार्ट हो गई है। जहां भी अभी हरियाणा पुलिस के भी कुछ बच्चे आज मेरी नॉलेज में कि वो खेलने आए हैं, तो आपको वहां पे इंक्रीमेंट मिलेगा 100%, क्योंकि रेसलिंग के पास आपकी इंक्वायरी जाती है और वहां से वो इंक्वायरी पास होके जाती है। जो हमारा सर्टिफिकेट है वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का है। और बहुत सारी चीजें हमने 3 साल मांगे थे, अभी 1.5 साल हमारे किस गेम को हुआ है। 1.5 साल में हमारा गेम यूनिवर्सिटी गेम्स में है परमानेंट, और स्कूल गेम्स में परमानेंट है। इसी साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में भी भगवान ने चाहा तो गेम चला गया है। अगले साल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भी ये गेम चला जाएगा। और मान करके चलना, जो बाकी 1.5 साल बचा है, दिन रात हम कोई और काम नहीं करते, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जो जो चीज आपको चाहिए वो सारी इस गेम से मिलेंगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है, यही मेरा आप लोगों से। इसी के साथ मैं अपने शब्दों का विराम करूंगा और खिलाड़ियों से पुनः गुजारिश करूंगा कि कम से कम ध्यान दें कि इंजरी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।